हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है खेलने वाले GTA 5। और आपको मैं बता दूं, आज की वीडियो में हम जो है जाने वाले हैं कार रेसिंग में। इसी में जो है हमें कार रेसिंग में जाएंगे, जो टूर्नामेंट होगा रात को। तो आप सोच रहे हो कि तू जाएगा, मैं वही, जैसी हमारे पास सस्ती सी गाड़ी है उसी में जाएंगे। मगर आज वो नहीं होगा। आज हम जो है आपको मैं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा अपना गैरेज दिखाऊंगा। हम इसको लेके जाते हैं तथा हम जब रात भी, अभी हम सोने ही चले जाएंगे, फिर जल्दी रात हो जाएगी। तो चलो गाइस, पहले यहाँ से चलते हैं हम आगे के लिए। और ये गाड़ी किसे लगाई यहाँ पे, ये कौन है, मतलब कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ से पहले आगे के लिए चलते हैं और आपको मैं अपनी गैरेज की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके भी इसको फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है। तो चलो गाइस, पहले हम चलते हैं। और हमारा यहाँ पे गैरेज, हम आ ही गए हमने गैरेज के पास। तो पहले हम जल्दी से गैरेज के पास चलते हैं और देखते हैं क्या आपको मैं वो गाड़ी दिखाऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट भी करना, सबके साथ शेयर भी करना। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे गैरेज की एंट्री। अभी हम पहले इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको हमारी गाड़ी। हम अपनी कोई सस्ती सी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, ये हम जैसी उतरते हैं। तो हम, मैं आपको बता दूँ, जो ये गैरेज है इसकी जो है $30,000 की प्राइस है। और गाड़ी जो मैंने खरीदी है, मैं उसको आप देख के समझ जाओगे कितनी महंगी होगी। तो चलो गाइस, पहले मैं आपको उसका दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। मैंने उसको मेटेलिक करवाया है और वो बहुत चमकीली चमकीली दिखती है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, अगर आपको ये। चलो गाइस, आप अगर तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है हमारी गाड़ी, आप जो ये देख सकते हो, जो बाइक के साथ में खड़ी हुई है। तो हम जो है इसको लेके जाएंगे। और देखो गाइस, क्या लुक है इसकी, सामने से चमक रही है डायमंड की तरह। और देखो गाइस, अभी हम इसके साथ थोड़ी सी शॉर्ट राइड ले लेते हैं और फिर हम जाएंगे अपने घर वापस और सो जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, पहले हम यहाँ से चलते हैं और इसको बाहर लेके जाते हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ से बाहर आए हैं, तो हम पहले चलेंगे आगे के लिए। तो हम थोड़ी सी शॉर्ट राइड लेके आ जाते हैं। तो गाइस, आप जो इसके स्पीड के अंदाज़े से लगा सकते हो कि ये कितनी तेज़ चलती है। और गाइस, मैंने जो ये इस गाड़ी को $7,00,000 में ख़रीदा है, $7,00,000 में। आप जो है, तो अगर आपके GTA 5 है तो आप खुद जाके इंटरनेट पे देख सकते हो। तो चलो गाइस, पहले हम इसको अंदर छोड़ के आते हैं और घर की तरफ चढ़ते हैं। आगे यार, आप, हम पहले जल्दी से जाके सो जाते हैं, बाइक को बाहर ही खड़े रखते हैं। हमारी बाइक है, हम इसको लेके ही जाएंगे। तो चलो गाइस, पहले हम अंदर जाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। तो गाइस, अभी हमारी जो है रात यहाँ पे शायद हो चुकी है, और आप देख सकते हो रात भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अभी कोई टूर्नामेंट पहुँचा है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ हम देख सकते हैं एक टूर्नामेंट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं गाइस कैसा रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज हम जीत जाएंगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं और देखते हैं हमारी बाइक कितनी है कि चली गई नहीं। हमारा अच्छा है, हम पहले इस बाइक पे जाके पहले अपनी गाड़ी को ले आते हैं और फिर उसके बाद आगे जाके हम जो है गाड़ी पे बैठ के रेस की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। तो चलो गाइस, पहले हम जल्दी से यहाँ से आगे के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी साफ़ है, उधरी पड़ी हुई है कि कैसे ले तो नहीं ली। और कहीं मेरे पास एक और गाड़ी है, आप सोच रहे होगे वो नॉर्मल सी दिखती है, मगर इसमें भी खास बात क्या है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा उसकी खास। और ए भाई, अरे क्या कर रहा है यार ये बंदा, क्या है, मतलब कुछ भी। बाइक को फिर भी मेरी कुछ नहीं हुआ, और इस बाइक को मैंने $40,000 में ख़रीदा है। चलो गाइस, पहले हम इसको अंदर लेके जाते हैं और यहाँ पे हम जैसे अंदर के लिए जाते हैं। और तो चलो गाइस, पहले हम यहाँ से अपनी गाड़ी निकालते हैं बाहर के लिए और निकलते हैं रेस की तरफ। तो गाइस, अभी आप यहाँ ये वाली गाड़ी देख के सोच रहे होगे, एक भी तो नॉर्मल सी गाड़ी, मतलब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसका फ़ायदा क्या है। तो मगर हम अभी ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि ये सबसे अच्छी है। तो पहले हम जल्दी से उसको लेके जाते हैं, आराम से लेके जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, वरना अगर टक्कर लग गई फिर गाड़ी का कोई फन नहीं रहेगा, ठीक है। तो मगर इसको होगा तो नहीं, अगर आराम से टक्कर लग जाए तब भी हम मगर बचा के ही ले जाएंगे। तो चलो गाइस, क्योंकि रेस में बहुत टक्कर लगने वाली है, उसके बाद तो हमने लॉस एंड ऑफ कस्टम लेके जाके ठीक भी कराना है, ठीक है। तो चलो गाइस, पहले उधर के लिए चलते हैं। मगर यहाँ पे भी ओ भाई इधर भी रेस वैसे आ गई है। चलो गाइस, दिल्ली के लिए फिर चलते हैं, आप इतना दूर कौन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री लग गई। तो अभी आप देख सकते हो गाइस कि हम यहाँ पे गाड़ी में अपनी आ चुके हैं और देखते हैं गाइस क्या रहता है।
तो यहाँ पर हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं 3, 2, 1 होने वाला है और यहाँ पे हम रेस के अंदर आ चुके हैं। चलो ये हम गए। अरे भाई मैंने इसको ठोक दिया, क्या किया यार ये मैंने, गलत किया। चलो 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 अभी हम जो है यहाँ पे बहुत आगे हैं और यहाँ पे हम पहले आराम आराम से चलाते हैं, हमने गैरेज के सामने से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो गाइस अभी सीधा फर्स्ट पोजीशन पे हैं और मैप को भी देखते रहना होगा, अगर मैं गलत जगह चला गया तो फिर सब आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ और देख, अरे भाई अरे भाई अरे भाई पहली टक्कर लगी, कोई बात नहीं, लॉस एंड टॉस सिस्टम ले जाके इसको ठीक करा दूंगा। तो पहले अभी हमने यहाँ पे देखो इको चेक पॉइंट को देते जा रहे हैं और अभी हम फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो चलो गाइस देखते कैसा रहता है, क्योंकि मैंने सिटी को घूमा हुआ है तभी मुझे कोई मतलब ड्रिफ्टिंग करने में ये पेड़ लगाने में कोई वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हम पहले जल्दी से ले लेते हैं अपन चेक पॉइंट और आगे के लिए बढ़ते हैं। तो मेरे को बार बार स्लो मोशन करना पड़ रहा है क्योंकि तो अगर स्पीड नहीं होगी तो फिर वो जो है आगे पीछे वाले बंदे आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है पहले आगे जल्दी के लिए बढ़ते हैं और देखते क्या रहता है। अरे भैया अरे भाई अरे भाई, टक्कर हमने जानबूझ के नहीं लगाई थी, वो हमने आप लग गई थोड़ा मैं ना वो हो गया था, कांपने लग गया था, मगर अब नहीं कांप रहा हूँ, ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम पहले जल्दी से आप आगे के लिए बढ़ते हैं और देखते क्या रहता है। यहाँ पे भी रेस अचानक से आ जाती है, मेरे सोचा इधर नहीं आई था, हम यहाँ से निकल ही जाते हैं, यहाँ पे क्या फ़ायदा, मगर अब यहाँ पे आ गई तो हमारा जो है वीडियो थोड़ा छोटा बन गया। तो यहाँ पे हम पहले जल्दी से जाते हैं और हमारा जो है यहाँ पे लैप हमें जो है उधर के लिए जाने जहाँ के लिए, अरे 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 पीछे से आ गए वो लोग, अरे आगे आगे भागो भैया, अरे भागो भाई यार, चलो यार जल्दी से यार क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले जल्दी से आगे के लिए बढ़ते हैं और देखो हम अपने घर के बाहर से भी निकल गए, तो हम पहले जल्दी से चलते हैं और अरे 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 भाई अरे भाई, अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हमने रेस स्टार्ट की थी। तो यहाँ से ओ लैप टू, लैप टू, फाइनल लैप में आ गए हम, फाइनल लैप, फाइनल लैप, फाइनल लैप, फाइनल, अरे 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 भाई, अरे भाई क्या हो गया ये, अरे अरे यार ये क्या मतलब, हम पीछे हो गए यार सबसे ज़्यादा, यार ये गाड़ी ख़राब है क्या यार। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी एनर्जी भी कम है, पहले हम जल्दी से बढ़ते हैं और कोई बात नहीं, अभी हम जी सकते हैं, अभी कोई हमारा वो नहीं है। तो पहले हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे के लिए और देखते क्या रहता है, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैंने गलती की, थोड़ी सी ब्रेक भी लगा लेनी चाहिए थी, ज़्यादा हीरो पन दिखाया मैंने, तो ये मेरी वो थी लापरवाही। तो हम पहले चलते हैं जल्दी से, इस बार मेरे को वो नहीं होगा कि अब कहाँ जाना है क्योंकि मैंने देख लिया। अरे 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 भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ध्यान से यार, अरे भाई क्या कर रहा हूँ यार मैं, चलो पीछे चलो। अभी हम 5वीं पोजीशन पे हैं, ये गाड़ी थोड़ी स्लो स्लो चल रही है हमारे पीछे वाली, पहले मेरे को आगे जाना है, मगर मेरे को जो है आगे के लिए जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इनसे हम आगे आगे, इनसे हम आगे आगे, इनसे हम आगे आगे, ये आ गए हम इनसे आगे। और अभी हम जो है 3री पोजीशन पे, अभी हम फर्स्ट पोजीशन ले जाएंगे, ये हम आगे 2री पोजीशन पे, अब हमें जो है एक ही गाड़ी को पीछे करना है, फिर हम जो है आगे आ जाएंगे। ये देखो हम आगे वापस अपनी पोजीशन पे, देखो कितना इजी था, हमने जो है इजीली अपने को आगे कर लिया। ये ग्रैंड टूरिज्मो जैसा नहीं है, मतलब हमें जो है मतलब थोड़ा सा मिल जाता है आगे करने को भी, और थोड़े कंप्यूटर डम भी है ना इस पे नूब जैसे, थोड़े अगर प्रो होते तो जीत सकते थे ये, ठीक है। तो पहले हम जल्दी से मगर आगे के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहता है, हमारी कैसी रेस होती है। अभी हमने थोड़ी सी ब्रेक लगा लेता हूँ, वरना मैं नहीं चाहता इस बार टक्कर लगे, अगर टक्कर लग जाएगी तो फिर हो गया काम हमारा, ठीक है। थक गया यार बोल बोल के, अभी हम फिर से घर के बाहर से आ गए और ये हम गए इधर और ये इधर और ये हम फाइनल पे आ गए और ये हम जीत गए, यहाँ हम जीत गए, आ गए हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए फर्स्ट प्लेस, हमने जो है फर्स्ट प्लेस ली है, रिजल्ट 1 आया हमें, बस कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं हमें कुछ मिला रिवॉर्ड में, क्या मिला हमें, चलो देखते हैं रिवॉर्ड में हमें क्या मिला। अरे हो गया क्या, हमारा हो गया, हो गया हो गया, ओ $450, वाओ यार अमेजिंग है, सच में मज़ा आ गया यार। अब हम पैसे से अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं, पहले हम जो अपनी गाड़ी को ठीक करा के ले आते हैं, पहले हम जल्दी से लॉस एंड टॉस कस्टम पहुँचते हैं। तो चलो गाइस पहले लॉस एंड टॉस कस्टम पहुँच जाएँ, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कस्टम से आ गए हैं और देखते हैं गाइस क्या रहता है। और पहले हम देखते हैं कितने पैसे लेगा ये, अगर ज़्यादा लेगा तो फिर हम नहीं करा पाएंगे, मगर ले तो लेगा यार आराम से, ठीक है। पहले हम यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे हमारी पेगासी ज़ेंट्रोनो
सुपर को हम पहले कस्टमाइज नहीं कराएंगे, इसे रिपेयर कराएंगे। तो हमारी रिपेयर हो गई है, अब हम यहाँ से जाते हैं सीधा अपने घर और मतलब गैरेज, वहाँ से इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं। और मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा मतलब उस गाड़ी का क्या फन है, ठीक है। चलो गाइस फिर से हम चलते हैं उधर के लिए और देखते हैं क्या रहता है। तो अपने गैरेज की तरफ यहाँ पे आ गए हैं, अपने गैरेज की तरफ आराम से बिना किसी टक्कर के। और अभी हम यहाँ पे पहले गाड़ी को पार्क करते हैं और पहले गाड़ी को बाहर निकालते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मगर जो नहीं खेलते उनको शायद ये चीज़ नहीं पता, और किसी भी यूट्यूबर ने शायद आपको नहीं दिखाया हो, ठीक है। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ उसका क्या फ़ायदा है। तो चलो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ एक चीज़ है, उसको हम करके वीडियो को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस पहले ये गैरेज खुल जाए। तो ये है, हम आगे अपने गैरेज पे और गड्डी पे बैठते हैं और देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। ये हम जब बैठे, ये भी फ़ायदा नहीं कि दरवाज़ा मतलब ये खुलता नहीं है, ऐसे ही सीधा चलता है। तो अभी आप देखना क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी ये गाड़ी ओपन शेड है, ठीक है गाइस। ये मैं बोल रहा था, ये देखो गाइस, मतलब ये सबसे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि अगर आपको शेड ये नॉर्मली लगे मगर मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब ये शेड में बदल के कन्वर्ट हो गई शेड में। तो ये देखो गाइस सबसे अमेजिंग कार मुझे ये लगती है, वो तो है स्पीड वाली ना, वो तो है, उसका लुक भी अच्छा है। इसका मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये जो आप देख सकते हो, वापस भी आप कर सकते हो, ठीक है, वापस भी कर सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।